Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question 10 is, on a velocity time graph pe draw 3 lines of curve to represent the motion of an object. आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसपे फिर एक कर्व या लाइन से शो करना है. फर्स्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो. मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा हो. और मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ हो रहा हो. तो इस केस में मैं आपको बता दूं, आप जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे दिस, हम यहाँ पे एक फर्स्ट के लिए बनाते हैं दिस. तो ये हमारे यहां पर क्या हो गया, दिस इज द इनिशियल, ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गई. अब फर्स्ट केस के लिए जब जीरो एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव होगी. तो इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा. जबकि बी के केस में ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, अगर हम बी के केस की बात करें तो लगभग इस तरह से दिस. मैं यहां पे अगेन बी के केस के अगली अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ जो है, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए स्लोप भी पॉजिटिव होगा. तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, वी और टी का ग्राफ इज लाइक दिस. ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हो गया वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. और अब हम बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा दिस इज लाइक दिस, वो कुछ इस तरह का बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो था फर्स्ट वाले केस में वो जीरो एक्सेलरेशन है.